लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी घमासान जारी है। भाजपा कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रत्याशी एवं निर्दलीय प्रत्याशी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। ऐसे में मध्य के मन NDTV का खास कार्यक्रम, उसके तहत लोगों का मन जान लेते हैं कि आखिर वो किसको पसंद कर रहे हैं, इस बार किसका सिक्का खनकने वाला है और क्षेत्र का सियासी माहौल क्या है। लोकसभा के चुनाव है, सीधी जिले में या सीधी संसदीय क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, आप किस बात पर वोट करेंगे? हाँ, हम लोग तो इस बात पर, महंगाई प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी है, जनता मोदी का नाम तो ले रही है पर मतदाता स्थिर है, उत्सुकता नहीं है, मत के पक्ष में नहीं है कि हम भाजपा में करें कांग्रेस में करें, मतदाता में उत्साह नहीं है क्योंकि महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, जो आम आवश्यक वस्तुएं हैं बहुत महंगी हैं, तो इसलिए जनता का मन जो है रुका हुआ है। देखिए, उत्साह नहीं है वोट में, वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा मूड है गांव में अभी लोगों का। हाँ, एक तरफा नहीं है, ना तो सुखता है विधानसभा जैसे और ना तो कुछ दिखता है, आप भी पत्रकार हैं बड़े, देख रहे हैं शहर में कोई उत्सुकता नहीं है, ऐसी गांव में भी माहौल है, जनता विचार कर रही है कि अपन इस बार कांग्रेस को दें तो ठीक रहेगा, महंगाई हो सकता है रुक जाए, परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन तो चाहती है। जी जी, बिल्कुल। विकास की बात करें, क्या क्या विकास दिखता है आपको सीधी शहर या सीधी संसदीय क्षेत्र में? सीधी संसदीय क्षेत्र में कोई खास विकास तो यहाँ है नहीं, न तो कोई अलग से यहाँ कारखाने खुले, न तो कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। अब ये पुरानी सांसद जो हैं रीति पाठक जी बोलती है, भाई रेल हम लाए हैं यहाँ, तो हो गया, वो भी अभी दिख नहीं रही है, देखिए क्या होता है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशांत तिवारी है। ये लोकसभा का चुनाव है, 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो क्या है इस बार माहौल यहाँ का, जो सियासी समीकरण है भाजपा कांग्रेस या अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं, किस तरफ का रुझान है, क्या दिखता है? अब देखिए, वैसे ज़्यादातर देश में तो भाजपा ही आ रही है, लेकिन लगातार बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई हो गया आपका। एक बाइक जो अभी 2014 के पहले 40-45 हज़ार में आती थी, आज 1 लाख प्लस है, चाहे आप पेट्रोल का देख लीजिए, गाड़ियों महंगाई सबसे ज़्यादा है और यहाँ से हो सकता है कांग्रेस प्रत्याशी जीते। ऐसा कांग्रेस के पक्ष में इस बार माहौल है? माहौल है, देखिए क्या होता है, बाकी तो जब EVM में रियल आएगा तभी पता चलेगा क्या होता है, लेकिन क्या है कि बेतहाशा महंगाई है देश में, सबसे ज़्यादा महंगाई। लोगों के लिए जो प्रोटेक्शन वगैरह की बात आती है, जो एडवोकेट्स के लिए प्रोटेक्शन है, कोई कानून बनने वाला था, बना कि नहीं बना अभी तक, क्या जाना? कुछ नहीं बना है अभी तक, ना कोई कुछ लाभ मिल रहा है, जूनियर एडवोकेट है आते हैं, बहुत जगह मिल रहा है लेकिन MP में तो कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या दिख रहा है आपको, क्या माहौल है सीधी में, संसदीय क्षेत्र? सीधी में तो भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल, क्यों भाजपा की तरफ मन बनाए हुए हैं? भाजपा सभी लोगों का विकास कर रही है, सभी वर्ग के लोगों का विकास कर रही है। सीधी में रेल की सुविधा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कि विकास हुआ जो होना चाहिए? रेल का बजट दिया जा रहा है, बन रही है धीरे धीरे, हर साल बजट आता है, अब पूरा इतना बड़ा इंडिया है तो हर क्षेत्र का बजट जाता है, कंप्लीट हो जाएगी धीरे। इसके अलावा शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, अब मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन हो गया है, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, अनवरत विकास हो रहा है। पहले देखिए, लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, अब आज मोटरसाइकिल कार से चलने लगे हैं, तो विकास है कहना, सब पक्के मकान हो गए हैं, कच्चे थे, तो विकास का तो है माहौल, मोदीमय माहौल है आपका कहना है? बिल्कुल मोदीमय माहौल है, उसमें कोई दो राय की बात। कोर्ट परिसर के बाहर है और यहाँ अधिवक्ता हैं, बात कर लेते हैं कि जो चुनाव का माहौल है वो यहाँ किस तरीके के थे, कितना गर्म है, चूँकि अब 19 अप्रैल चंद ही दिन बचे हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई? मुन महेश तिवारी। और ये जो सियासी समीकरण है यहाँ का, इस बार क्या किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? डॉक्टर राजेश मिश्रा का पलड़ा भारी है, भाजपा प्रत्याशी का। विकास को लेकर के कितना सहमत हैं भैया आप, या क्या मुद्दे हैं आप बताएं अपने से? हम अब कुछ मुद्दे नहीं बताएंगे, विकास ठीक है, विकास अच्छा हुआ भाजपा जीवन काल में, अब उनका मुद्दा और क्या है, ये पूरा उनका हम वो नहीं देखे हैं क्या मुद्दा है। व्यक्तिगत तौर पर मैं राजेश मिश्रा को पसंद करता हूँ, समाज सेवी हैं, पहले से भी वो समाज की सेवा करते आए हैं और भाजपा के अच्छे प्रत्याशी हैं, इसके उनके प्रति भाजपा को पसंद कर रहे हैं, उसकी योजना को जो सरकार की है या राजेश मिश्रा को? हम ये इन सब बातों में नहीं, व्यक्तिगत राजेश मिश्रा की बात कर रहा हूँ। उनके व्यवहारिक व्यवहार से आप हैं प्रभावित हैं, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम भैया? शिवावन पांडे, एडवोकेट। पांडे जी, कैसा माहौल है इस बार? इस बार
जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 पार में सफल होगी। और सीधी में तो कहीं लड़ाई है ही नहीं। देखिए ऐसा है कि आज के 20 साल पहले मूलभूत सुविधा पब्लिक की, बिजली पानी सड़क, तो निश्चित रूप से 20 साल पहले एक घंटे के लिए फिलामेंट जलता था कांग्रेस के सरकार में, और सीधी से रीवा पहुंचने में कम से कम 5 घंटे का समय लगता था। सीधी को जो एक टनल मिल गया तो सीधी से रीवा पहुंचने में 1.25 घंटा का समय लगता है। रेल की सुविधा तो अभी तक नहीं मिली हमारा जो ये जिला है वो रेल से वंचित है। रेल की सुविधा के लिए प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से रेल लाइन काम भी चल रहे हैं, मुआवजा भी वितरण हुए हैं। अभी धन्यवाद जरूर है कि अभी अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है और इस कारण से रेल लाइन थोड़ा सा कार्य अवरोधित है। और देखिए ऐसा है कि हम तो व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों, खासकर राष्ट्रहित में जितने कार्य किए जा रहे हैं, चाहे आप 370 को ले लीजिए, चाहे चाइना बॉर्डर को देख लीजिए और चाहे जो भी कार्य देख लीजिए, निश्चित रूप से 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छा शासन दिया है और अच्छा कार्य किया है। तो मूल रूप से विकास और राष्ट्रहित महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्य के मन कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला जी से कि क्या चुनावी मुद्दे हैं अभी संसदीय क्षेत्र में, क्या विकास की संभावना है या अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। अभी तक क्या दिख रहा है, कैसा है माहौल, चुनावी माहौल जो है? चुनावी माहौल तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है अमित जी, और अभी प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, जबकि 19 तारीख को इलेक्शन है। अंदर अब क्या स्थिति है वो जनता जाने। विकास की बात करते हैं, संसदीय क्षेत्र में कितना विकास दिखता है आपको? मेरे समझ में आज तक कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। सड़क बना देने से कोई विकास नहीं होता। मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना। इन स्वास्थ्य शिक्षा में के संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ। वही पुराने घिसे पिटे डॉक्टर, ना तो कोई MRI मशीन है, ना सीटी स्कैन मशीन है। लोगों को नागपुर और दिल्ली जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। तो ये विकास नहीं, अच्छा विद्यालय नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो विकास सड़क बनाने से विकास नहीं होता। भाजपा की योजनाओं से आप खुश नहीं है ऐसा लग रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार ही तो दवा है और वही उसी को निशाना बनाया जा रहा है। हम जो है अमीरों को ज़्यादा अमीरी अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर बन रहे हैं और गरीब जो है वो और नीचे जीवन यापन करने चले जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय पिस रहा है। पूरा GST और जो भी कर है वो केवल मध्यम वर्गीय दे रहा है, चाहे वो बिजली का बिल हो उसके माध्यम से देता हो, चाहे GST देता हो, मध्यम वर्गीय पिस रहा है। विकास की बात होती है कि भाजपा विकास करती हुई सत्ता में लगातार है, कांग्रेस के विपक्ष में है। कांग्रेस विपक्ष में है, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता ना भाजपा की बात करता हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ। आम पब्लिक को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये 3 चीज़ फ्री में दीजिए, इसके अलावा कुछ फ्री में मत दीजिए। लेकिन जनता कामचोर बन गई है। मेरे पास भी 15 एकड़ ज़मीन है लेकिन अधिया नहीं मिल रहे खेती करने के लिए, मैं तो कर नहीं पाऊँगा। तो ये सब समस्याएँ हैं यार। नहीं तो और कुछ ऐसे खास मुद्दे नहीं है यहाँ संसदीय क्षेत्र में कि जो जनता वोट डाल रही जालने जाएगी अभी जो इलेक्शन है? देखिए वो तो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जनता वोट डालने जाएगी, लेकिन जनता का सुना कहाँ जा रहा है? जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, अभी आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा, जनता तो चाहती है कि हम, अच्छी जनता वो होती है जो हर साल सत्ता को बदलती है। रोटी जब तक दोनों तरफ नहीं सेकी जाती तब तक वो स्वादिष्ट नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि मैं किसी पक्ष की और किसी विपक्ष की बात नहीं करता, मैं विकास की बात करता हूँ। विकास तब होता है जब क्रमशः दोनों पक्ष, विपक्ष जो है पक्ष बने, पक्ष जो है विपक्ष बने, वही जनता के लिए लाभदायक होता है। दुकान लगाते हैं? हाँ सर। इस बार चुनाव है यहाँ? जी सर। तारीख वोट पड़ेगा पता है? हाँ सर। क्या माहौल है? माहौल यही चल रहा है कि कांग्रेस को लगाएंगे मोहर। हाँ, इस बार कांग्रेस जा रहा है। कांग्रेस की ओर पक्ष है? हाँ, इस बार कह रहे हैं लोग। भाजपा विकास नहीं की? कहे नहीं किए है कि एक थोड़ा महंगाई बढ़ रही तो कोई गरीब पनप नहीं पा रहा। अच्छा। हाँ,
कहाँ 200 की सब्जी लेने वाला आज इंसान 50 रुपये का उसका झोला नहीं भर पा रहा, समझ रहे ना बात। तो कहाँ से गरीबों को चले, 30 रुपये किलो आलू है, किराए सब बढ़ गया है, पेट कहाँ चल रहा, पहले की आमदनी चली गई, सब पेट बस चल रहा है, बस ढलने के लिए नहीं मिल रहा है। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अरे 200-400 मिल जाता है बस, 100 रुपये किया है। भाजपा से कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है? आप क्या करें सर, महंगाई बढ़ा दिया ना, महंगाई से दुनिया परेशान है। किसी के पास 1 रुपया 100 ले 500 लेके आता है, किराए तक नहीं बचता उसका कि घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। सीधी शहर के पुराने बस स्टैंड में है और एक यहाँ ये फल का ठेला है। बात कर लेते हैं एक महिला है कि वो किन योजनाओं से प्रभावित हैं और उनके लिए चुनाव क्या है। अभी वोट पड़ेगा पता है आपको? हाँ। कब पड़ेगा? 19 तारीख को। क्या माहौल है आपका, ये धंधा कैसे चल रहा है, जो व्यापार है आपका? ओके, जैसे चल रहा है तो जाओ ना तो ठीक है। क्या योजनाओं का लाभ मिला अभी तक आपको? सब कुछ मिला सर, घर बनवाने को मिला और बहना योजना मिल रहा तो मिल रहा है। बहना योजना का पैसा हर महीने आता है? आता है। तब तो ठीक है आपके लिए। और क्या सरकार करे कि आपका जीवन बेहतर हो जाए? जौन है तो सब लाइट बत्ती सब है, का है नल लगा, अब कुछ नहीं चाहिए, सब है, सब है। सरकार कुछ ना करे? सरकार जौन है के बनाना है तो बनावे, का बताइए। हाँ नहीं तो और पैसा आपको बढ़ा दे लाडली बहना वाला के, और कुछ बताएंगे सरकार को, सरकार क्या करे? वही के बढ़ाना हो तो बढ़ा देना, बढ़ाना हो जो मिल रहा है जो नहीं मिल रहा है, हमका वजन के रोज के कमाई का खाए के है। तो नहीं तो इससे खुश हैं कि लाडली बहना के पैसा से खुश हैं आप? वही के हाँ, और धंधा खुश है, जो मिली तो सरकार से खुश हैं। हाँ बच्चे शासकीय स्कूल पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ BPL कार्ड में पढ़ते हैं। अच्छा BPL का कार्ड बना उससे पढ़ते हैं। हाँ तो जो सरकार ये ठीक काम कर रही है। हाँ ठीक कर रही है।